यहाँ रोजगार और विकास की बात तो दूर गया है, अभी तक तो कुछ कोई तरह का बात ही नहीं होता है। यहाँ काम हुआ है मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में ठीक चला, अभी चलिए मोदी के राज में क्या चलेगा ठीक, मोदी राज में क्या चलेगा, वही सब तो वही रंग चल रहा है। रोजगार यहाँ के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अजय मंडल अभी अब उसको प्रखंड में घूरना चाहिए, प्रखंड जो है अपना प्रखंड घूरना चाहिए कि हम पब्लिक से वोट कैसे लेंगे। तो अपना आपको वो अपमान बुझ रहा है कि हमको वोट ही मिलेगा। कह रहे थे अभी तक उसको चिन्हे नहीं करते कैसा वो आदमी है। अच्छा क्यों ऐसा? गोरा है कि काला है जानबे नहीं करते, चिन्हे करते हैं, आज तक देखबे नहीं किए। लोग कहा तक कहता है कि जीत जीत के गया है, अभी तक नहीं मिला कहियो। तो उन्होंने काम किया है कुछ भी अभी क्षेत्र के लिए? अब क्या किया हम लोग, हमको कोई मालूम नहीं है। आप लोग भी यही बोलेंगे अजय मंडल आए हैं यहाँ पे क्षेत्र में? कभी कभी आया था, एक खाली रोड में आए थे एक बार। ये रोड में आए थे एक बार घूमते हुए, मतलब हरदासपुर राघोपुर मथुरापुर अपना नाथनगर प्रखंड थे, वो गए थे घूमने के लिए, बस सिर्फ यहाँ टाउनी क्षेत्र में नहीं घूमे हैं वो। हम क्या कर सकते हैं, हमारा अकेला करने से नहीं होगा और लोग जनता चुनेगा। तो दूसरे हैं अजीत शर्मा जी, नहीं बता सकते तो। नहीं बता सकते, कांग्रेस के नेता है अजीत शर्मा, जानते हैं आप? जानते हैं? जानते हैं, बता दे सकते। अजीत शर्मा यहाँ की आवाज है, गेटवे करेगा वो भी नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता है, नहीं अपने काम से जाता है, मुसलमान तो जी हिंदू तो नहीं आता है। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार जो काम अच्छा करेगा और कर रहा है उसी को हम लोग वोट देंगे। सब यही यही बोल रहा है, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देना है। कर रहा है जो दुनिया को अच्छे से चला रहा है उसी को वोट देंगे हम लोग, और हम लोग उसी पर जो है मर रहे हैं, जीतना है उसको जीतना है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग? सोच क्यों रहे हैं, उस पर भरोसा है, उस पर 10 साल में कितना सरकार के बारे में यहाँ के अंदर कोई 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 नेता नहीं सोच रहा है। तो बिहार के भागलपुर से हमने चुनावी अपनी यात्रा शुरू की है, बिहार की चुनावी यात्रा, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है उभर के आया है वो है रोजगार। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत है, और युवाओं की बात नहीं है सिर्फ, लेकिन जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं इस शहर के पुराने हैं, कारीगरों की बात करें या हम समाज के और लोगों की बात करें जो अलग अलग काम करते हैं, उन सभी का कहना है कि रोजगार जो है एक बहुत अहम मुद्दा है। गांव में जो है योजनाएं हैं, आप लोग बता सकते हैं मुझे गांव के बारे में थोड़ा सा? कोई योजना है यहाँ? योजना क्या है? वही जो पावर लूम चलता है वही योजना है, पावर लूम है यहाँ योजना, रोजगार की चलता है, नहीं चलता है खाली दुपट्टा ये सब काम हो रहा है, सिल्क नहीं, भागलपुर सिल्क का खत्म हो गया यहाँ। क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम इधर आ जाते हैं? हाँ, भागलपुर सिल्क का खत्म हो गया यहाँ व्यापार, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो उद्योग देखा हमने, वो उद्योग कहाँ है, सिल्क कहाँ है, तसर कहाँ है, मटका कहाँ है, येरी कहाँ है, ये सब तो पॉलिस्टर जगह है। भागलपुरी रेशमी नगर है, मेरे रेशम का धंधा पानी नहीं होता है यहाँ, रोजगार खड़ी नहीं है। यहाँ का नेता लीडर जितना भी है सब ही अधिक अधिक चोरे हैं। अच्छा अजय मंडल जी जो है उन्होंने अभी काम किया है और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि वो सही है, तो आप बताएंगे उनके काम के बारे में थोड़ा? अजय मंडल के क्या काम के बारे में उसका बताएंगे? हम तो कुछ नहीं जान रहे उसका काम के बारे में, जो भी बताता है गलत बताता है। अभी जो है बहुत सारा चेंज हुआ है, हाँ यहाँ खाली पोलिस्टर आता है, लैलून का कारोबार हो रहा है और थोड़ा डल का, और कोई सिल्क पिल्क नहीं होता अब यहाँ, सिल्क डल करता है। हाँ यहाँ डल का मांग कपड़ा को कहता है सिल्क, सिल्क का सिल्क सिल्क है ये नहीं है भागलपुर में, बेरोजगारी और महंगाई यहाँ का मुख्य मुद्दा है बिहार का। क्या मतलब आज चाह रहे हैं बिहार के लोग, जैसे अगर बोल रहे हैं कि बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, तो रोजगार के नजरिए से
फिर आप क्या देख रहे हैं, एक लीडर कौन आप लोगों को लग रहा है जो सही है इस वक्त? लीडर कहाँ सही है, कौन लीडर सही है? जो जो नेता यहाँ से जीत करके जाते हैं वो अपने अपने स्वार्थ में रहते हैं, हैं? यहाँ जो बिहार के अंदर में एक तो भी कल कारखाना है बोलिए नहीं है। इतने आदमी बिहार के हैं, 75% यहाँ बिहार के आदमी बाहर में जाके खटते हैं, क्यों करते हैं? रोजगार की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है वहाँ बाहर में। मतलब जाकर को ऐसा बुरा दृष्टि से लोग बिहार का काम करते हैं कि मतलब कहने का कोई बात नहीं है।